ऑन 31/12/15 योर पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5,000 बिफोर दैट डेट यू हैव इश्यूड द चेक वर्थ ₹1,000 ऑफ विच चेक वर्थ 300 वर नॉट येट कैश्ड। आ जाओ, हमें बैलेंस जो दे रखा है ना वो दे रखा है +5,000 है, नॉर्मल बैलेंस है। अब मुझे बताओ, पहला पॉइंट इसने बोला है आपने चेक इश्यू किए थे, अच्छा ये बैलेंस किसका है? पासबुक। आपने पासबुक 1,000 के चेक इश्यू किए थे तो आपने अपनी कैश बुक को तो कम कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा चेक इश्यू करते समय ही? कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें से ₹300 के चेक एनकैश ही नहीं हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पासबुक में से भी ₹700 तो कम हो चुके हैं लेकिन ₹300 कम नहीं हुए अभी। तो अब अपन ₹300 क्या कर देंगे, कम कर देंगे ₹300 हमने लेस कर दिए भाई, ये 300 वाले ऊपर उठाने ₹1,000 के चेक दिए थे हमने तो हमने अपनी कैश बुक में से तो ₹1,000 कम कर दिए, लेकिन बैंक से अभी ₹700 ही निकले, तो बैंक ने अगर अगर बैंक से ₹700 निकले तो इसका मतलब बैंक में तो अभी ₹700 ही कम हुए होंगे ना, सर। तो बैंक का बैलेंस 300 से बड़ा हुआ है तो मैं बैंक के बैलेंस को कम कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। 26 दिसंबर को आपने ₹150 का चेक डिपॉजिट करवाया था बट कैश बुक में एंटर नहीं किया। अब समझो, अगर आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा, यस सर। लेकिन अभी तक आपने इसे कैश बुक में नहीं लिखा तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो रखा है? कम हो रहा है तो अब पासबुक के बैलेंस को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कम करेंगे। कम कर दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट, पासबुक ने ₹40 के इंटरेस्ट की इनकम दिखाई हुई है तो पासबुक का बैलेंस ₹40 से बड़ा हुआ होगा, यस सर, अब क्या कर दें? तो कम कर देंगे इसको। ₹40 का इंटरेस्ट कम कर दें यस सर। और ₹10 बैंक चार्जेस के डेबिट किए हैं, तो अगर बैंक चार्जेस डेबिट किया तो पासबुक का टोटल कम हो गया होगा, तो अब इसको बढ़ा दो तो ₹10 हमने प्लस कर दिए। बोलो, आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। एक चेक ₹1,200 का डिपॉजिट करवाया इन योर अकाउंट नंबर 2 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक टू दिस अकाउंट। समझो, तेरी पहले वाली लाइन का मतलब क्या है? ₹10 फॉर बैंक चार्जेस एंड द कैश बुक कैश हैड बुक में नॉट अभी तक इसकी एंट्रियां नहीं की हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज फॉर दैट। हाँ, चलें आगे। यस सर। आओ, अब ये बोल रहा है कि आपने क्या किया था, एक चेक था आपका कितने रुपए का, ₹1,200 का, जो अकाउंट नंबर 2 में जाना चाहिए था। लेकिन गलती से हमने इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो बताओ इस अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ गया होगा? क्या बढ़िया सर, कम कर देंगे, कर बारह दें? सौ से कम हो जाएगा, कम लेस कर देंगे। कर दो यस चलें आगे। सर। अगला पॉइंट पढ़ो। डिसऑनर्ड बिल वाज डेबिटेड इन द पासबुक। डिसऑनर्ड बिल वाज डेबिटेड इन दी पासबुक ओनली 500।
डिसऑनर्ड बिल को डेबिट कर दिया पासबुक में. डेबिट करने का मतलब क्या हो गया? कम कर दिया. कम कर दिया होगा. तो अब हम वापस yes, देंगे, बढ़ा देंगे. तो 500 रुपए प्लस कर दो. ठीक है, आगे बढ़े. डेबिटेड मतलब सर पैसे निकल गए ना अकाउंट, कम हो जाना, खर्चा हो गया ना. चले आगे. यस सर. चेक फॉर 700 रुपए फॉर 700 पेड इनटू द बैंक वर नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक. हमने 700 रुपए का एक चेक बैंक में जमा करवाया. Yes, sir. ठीक है. अब आपने जब चेक जमा करवाया तो आपने कैशबुक में तो एंट्री डाल दी होगी, तो कैशबुक तो बढ़ गई. Yes, sir. लेकिन अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस कम हो रखा है. Yes, sir. बढ़ा देंगे. बस कर दोगे 700 रुपए. सब देखो इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए हैं ये वाले. आ जाओ. अब ये क्या बोल रहा है? अ रॉन्ग डेबिट ऑफ 100. अपीयर्स इन द पासबुक. अ रॉन्ग डेबिट ऑफ रुपी 100 अपीयर इन द पासबुक. समझो, हमने पासबुक में गलती से डेबिट कर दिया, तो पासबुक को क्या कर दिया हमने, इसका मतलब कम कर दिया. कम कर दिया. तो अगर गलती से किया तो इसका मतलब कैशबुक में तो ये डेबिट किया ही नहीं है. तो अगर yes, बड़ी हुई है तो पासबुक को भी अब क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे. कम कर देंगे ना. हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बढ़ा देंगे. बढ़ा देंगे. यस सर. बोलो क्लियर. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट. 150 रुपए का चेक एक कस्टमर से मिला जिसे हमने कैश बुक में तो लिख दिया लेकिन अभी बैंक में जमा कराना भूल गए. तो बताओ, अगर एक चेक मिला और कैश बुक में लिख दिया तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा ना? बढ़ गया सर. लेकिन अभी तक वो बैंक में जमा ही नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस कम है. कम है. तो पासबुक के बैलेंस को क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ लास्ट आंसर क्या आएगा. सर एक्यूरेट आ रहा है 4770 ही आ रहा है. आ गया ना सर. सर हमारे हमने गलती कहाँ कर दी थी? यहाँ ऊपर कर दी थी 300 और 150 गलती कर दी थी. अच्छा, वही एक आप कोई पॉइंट गलत हो जाता है बस उसी से. सर ये 300 वाली ये वाली थोड़ी हो गई थी सर, गलती हो गई थी. कोई 300 का सर किया गया, इसने 700 ही इशू किया मतलब. भाई एक्चुअली में वो ये बोल रहा है, देखो मैं आपको बताऊं कि आपने है ना जो टोटल लिखा था ना वो 1000 के चेक थे. ठीक है सर. उसमें से 300 वर नॉट येट कैश्ड, यानी 700 तो आपने कैश करवा लिए लेकिन 300 का आपने एनकैश नहीं करवाया. तो हमें जो एडजस्टमेंट करना है वो केवल 300 रुपए का करना पड़ेगा. ओके सर. 700 कैश करवाया हमने 300 रुपए. तो सर मतलब जो 300 रुपए कैश करेंगे वो तो 700 में तो कटेंगे. 700 में तो कटेंगे ना. नहीं तो 700 तो पहले भी दोनों में देखो एक्चुअली में 700 का तो डिफरेंस रहा ही नहीं ना. हमने जब चेक इशू किए थे तो अपनी कैश बुक को 700 से कम कर दिया था. सामने वाले ने उसमें से 700 रुपए बैंक से विड्रॉ कर लिए तो 700 रुपए बैंक से भी कम हो गए. तो जो डिफरेंस आया वो केवल 300 रुपए का आया बस. अच्छा, मतलब वो क्रेडिट हो गए. हाँ ठीक है.
चले आगे। जी सर, यस सर। थर्ड वाला मैंने आपको दे ही दिया था, फोर्थ वाला दिया था क्या? नहीं सर, फोर्थ वाला नहीं, फोर्थ नहीं, फोर्थ। हाँ हाँ सर, फोर्थ भी दिया था। हाँ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीन दिए थे। इतने बड़े ट्रांजैक्शन भी आ जाते हैं वैसे, जैसे भी इतने बड़े नहीं आएंगे, लेकिन आप समझिए नहीं ये क्या करेगा, हर ट्रांजैक्शन पर एक क्वेश्चन बना सकता है ये ऐसे पूछेगा आपसे। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपने कोई भी अभी ये वाला किया आपने, है ना, अपन ने कौन सा किया था अभी, सेकंड किया था, है ना जी सर। ये क्या बोलेगा कि आपका बैंक बैलेंस 5000 है, फिर पहला ट्रांजेक्शन दे देगा बस कि चेक इशूड वर्थ रुपीज 1000 ऑफ विच चेक वर्थ रुपीज 300 वर नॉट येट कैश, दिस ट्रांजेक्शन विल बी recorded in bank reconciliation statement as, अब उसमें ऑप्शन ए दे देगा डिडक्टेड फ्रॉम 5000, बी दे देगा एडेड टू 5000, सी दे देगा कि मतलब इधर एड और इधर डिडक्टेड, और या दो ही तीन ही ऑप्शन दे देगा, नन ऑफ दीज। तो वो आपको इस तरह से आपको देगा, ठीक है। एक एक जो आपने क्वेश्चन भेजे थे ना, क्या चीज आपने वो जो पीडीएफ डाली थी ना क्वेश्चन की, हाँ हाँ, उसमें भी सर एक क्वेश्चन पूछना था लास्ट में। ठीक है मैं बता दूंगा वो सर, आप टाइमिंग डाल देना उसमें, फिर मैं पूछूंगा। हाँ ये लीजिए, थर्ड वाला करिए, थर्ड का आंसर निकालिए।